एक कहानी है जो आमतौर पर ब्रिटेन में कही जाती है कि कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया जितना भयानक हो सकता है ब्रिटेन के लिए कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं था। कुछ भी हो, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन के लिए एक लागत थी। सो द फैक्ट दैट एम्पायर वाज सस्टेन्ड फॉर सो लॉन्ग वाज अ जेस्चर ऑफ ब्रिटेन्स बेनेवोलेंस। एक फेमस इकोनॉमिस्ट है उत्सव पटनायक और उनकी एक स्टडी है जो कि बताती है कि कैसे 1765 से लेकर 1938 तक ब्रिटेन ने इन दो सेंचुरीज में टैक्स एंड ट्रेड को मिलाकर नियरली 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से चुराए थे। ये एक माइंड बॉगलिंग कैलकुलेशन है, एज 45 ट्रिलियन डॉलर्स इज 17 टाइम्स मोर देन द टोटल एनुअल जीडीपी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टुडे। उस वक्त अपने भारत देश को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था और ये नाम इसलिए था क्योंकि उस वक्त इंडिया ग्लोबल वेल्थ नेट में 25% हिस्सा रखती थी और ये एक बहुत बड़ी चीज है। सो हाउ डिड दिस हैपन? मेजरली इट हैपेंड थ्रू द ट्रेड सिस्टम। कॉलोनियल पीरियड के पहले ब्रिटेन ने इंडिया के प्रोड्यूसर से गुड्स एंड टेक्सटाइल्स और राइस खरीदा और पेमेंट के रूप में उस वक्त ब्रिटेन हर देश को सिल्वर यानी चांदी दिया करता था। बट समथिंग चेंज्ड इन 1765। शॉर्टली आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी टुक कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड एस्टैब्लिश्ड द मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। हियर्स हाउ इट वर्क्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया और फिर काफी चतुराई से उसका 1/3 हिस्सा ब्रिटिश यूज के लिए रिक्वायर्ड इंडियन गुड्स को खरीदना शुरू किया, मतलब इंडिया के लोगों से पैसा लेकर उन्हें वापस दे दिया। इन सेंस ब्रिटिशर्स अपने जेब से पैसा देने के बजाय फ्री में उनसे गुड्स एंड सर्विसेस ले लिया करते थे। इट वॉज अ स्कैम थेफ्ट ऑन अ ग्रैंड स्केल एंड बहुत से इंडियंस को भनक भी नहीं थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो एजेंट टैक्स कलेक्ट करने आता था वो अलग आता था और गुड्स एंड टेक्सटाइल्स खरीदने अलग एजेंट आता था। अगर वो सेम होते तो शायद एक बार को लोगों को शक भी हो जाता, पर ऐसा नहीं था। जो गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिटिशर्स इंडियन प्रोड्यूसर से खरीदते थे उसमें से कुछ अपने यूज के लिए रखते थे और बाकी रीएक्सपोर्ट कर देते थे ताकि उनका और फायदा हो सके। इन सब से इतना पैसा कमाने से ब्रिटिशर्स यूरोप से टार, टिम्बर, आयरन इन सब का भी इंपोर्ट करने लग गए थे और ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने में ये उनकी सबसे बड़ी हेल्प थी। ऑन टॉप ऑफ दिस द ब्रिटिश वर एबल टू सेल द स्टोलन गुड्स टू अदर कंट्रीज फॉर मच मोर देन दे बॉट देम फॉर इन द फर्स्ट प्लेस, पॉकेटिंग नॉट ओनली 100% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द गुड्स बट ऑल्सो द मार्कअप। फेज टू। आफ्टर द ब्रिटिशर्स टुक ओवर इन 1847 कॉलोनाइजर्स ने एक नया टैक्स एंड बाय सिस्टम ऐड किया। अब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली टूटी, इंडियन को अलाउ हो गया था कि वो अपने गुड्स डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते। बट यहाँ भी लंदन ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि कुल मिला के इंडियन एक्सपोर्ट का सारा पैसा उन्हीं के पास जाता था। सो हाउ डिड दिस वर्क? बेसिकली जिस किसी को भी इंडियन एक्सपोर्ट से गुड्स खरीदना था उन्हें एक स्पेशल काउंसिल बिल का यूज करना पड़ता था, जो कि एक यूनिक करेंसी बिल था जिसे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। और उन बिल्स को खरीदने का सिर्फ एक ही तरीका था, लंदन में गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज करके। फिर उस बिल्स का यूज करके वो इंडियन प्रोड्यूसर्स को पे करते थे। अब यहाँ से होता है स्कैम। जब इंडियंस उन बिल्स को एक्सचेंज कराने कॉलोनाइजर्स के ऑफिस जाते थे तो उन्हें उस बिल के रिटर्न में रुपीस में पे किया जाता था, जो कि इंडियन से लिया गया टैक्स में से ही डिडक्ट होता था। मीनवाइल लंदन के पास वो सारा चांदी और सोना आ गया था जो कि डायरेक्टली इंडियन प्रोड्यूसर्स के पास जाना चाहिए था। सो वंस अगेन इंडियन प्रोड्यूसर्स वर फूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ये करप्ट सिस्टम शो करता है कि जब इंडिया वॉज रनिंग एन इम्प्रेसिव ट्रेड सरप्लस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सरप्लस, जो कि 20th सेंचुरी में नियरली 3 decades तक एक ही पोजिशन पर था, बट इट वॉज शोड अप एज अ डेफिसिट इन द नेशनल अकाउंट्स बिकॉज द रियल इनकम फ्रॉम इंडियंस एक्सपोर्ट वॉज एंटायरली टेकन बाय द ब्रिटेन। ऑन सम पॉइंट ऐसे भी एविडेंस है जो दावा करते हैं कि इंडिया वॉज अ लाइबिलिटी टू ब्रिटेन, बट एग्जैक्टली द अपोजिट इज ट्रू। ब्रिटेन इंटरसेप्टेड इनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ इनकम दैट राइटली बिलोंग टू द इंडियन प्रोड्यूसर्स। इंडिया वॉज द गूज दैट लेड द गोल्डन एग। मीनवाइल द डेफिसिट मेंट दैट इंडिया हैड नो ऑप्शन बट टू बोरो फ्रॉम ब्रिटेन टू फाइनेंस इट्स इम्पोर्ट्स। सो द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन वॉज फोर्स इन टू कम्प्लीटली अननेसेसरी डेब्ट टू देयर कॉलोनियल ओवरलोड्स फर्दर सीमेंटिंग ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटेन ने इस एक्सपोर्ट पे आउट का फायदा उठा के बहुत से वायलेंस मूवमेंट्स को फाइनेंस किया है, जैसे कि इन्वेजन ऑफ चाइना इन 1840s एंड द सप्रेशन ऑफ इंडियन रिबेलियन इन 1857। एज पटनायक पॉइंट्स आउट, द कॉस्ट ऑफ ऑल ब्रिटेन्स वॉर्स आउटसाइड इंडियन बॉर्डर्स वर चार्ज ऑलवेज होली और मेनली टू इंडियन रेवेन्यूज। और अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रिटेन ने इस फ्लो का यूज करके एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप एंड रीजंस ऑफ यूरोप सेटलमेंट लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया को भी फाइनेंस किया था। पटनायक ने 1765 से लेकर 1938 के बीच कॉलोनियल इंडियन में 4 इकोनॉमिक पीरियड्स को डिफाइन किया था और फिर हर एक का एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करके मॉडेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर कंपाउंड किया। इन सब को जोड़कर उन्हें पता चला कि टोटल मनी जो कि ब्रिटिशर्स ने चुराया था वाज 44.6 ट्रिलियन डॉलर्स। दिस फिगर इज कंजर्वेटिव, शी सेज, एंड डज नॉट इंक्लूड द डेब्ट ब्रिटिशर्स इंपाउंड ऑन इंडिया ड्यूरिंग द राज। यार ये चीज लिटरली दिमाग घुमा देती है, बट द रियल सम विच वॉज स्टोलन फ्रॉम इंडिया कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर उस वक्त इंडिया अपने खुद के टैक्स रेवेन्यूज एंड फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स को डेवलपमेंट में यूज करता
तो कुछ नहीं कह सकते कि हिस्ट्री कहां से कहां पलट जाती। एंड लिटरली इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस होता और सेंचुरी से चली आ रही पॉवर्टी एंड सफरिंग को भी प्रिवेंट किया जा सकता था। येट ड्यूरिंग द एंटायर 200 ईयर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वॉज ऑलमोस्ट नो इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। इनफैक्ट 19th सेंचुरी के आखिरी हाफ में इंडिया की इनकम आधी कोलैप्स हो चुकी थी। 1870 से लेकर 1920 तक इंडियंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजरली गिर चुकी थी एंड टेंस ऑफ मिलियन डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिसी इंड्यूस्ड फेमाइन। सो आज ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए? माफी मांगनी चाहिए? जी हाँ, क्योंकि वी आर द वन हु हेल्प देम। हालांकि ब्रिटेन में तो आज भी इतना पैसा नहीं है कि वो $45 trillion चुका सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टोरी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।